हाय गाइस, मेरा नाम कल्पेश जाधव है। इस वीडियो के अंदर हम बोल फ्लैग चार्ट पैटर्न के लिए स्कैनर को क्रिएट करने वाले। जो स्कैनर आपको सारे के सारे स्टॉक प्रोवाइड करेगा जिन स्टॉक में हमें बोल फ्लैग पैटर्न फॉर्म दिखाई दे रही है। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद इतना है कि यहाँ पर हमारे चैनल में एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है सौविक चैटर्जी सर, एंड उन्होंने हमें कमेंट करके बताया कि उन्हें एक स्कैनर चाहिए जो कि बोल फ्लैग स्कैनर, एंड इसके लिए हम यहाँ पर इस वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हमें अपने चार्ट स्कैनर को क्रिएट करने के लिए आपको चार्टिंग का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट योर ऑन स्कैन का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस वाले पेज पर आ जाएगी जहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह का स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर लिखा है स्टॉक पास ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्ड इन कैश सेगमेंट। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम जो भी कोडिंग करने वाले वो कोड यहाँ पर कैश सेगमेंट अप्लाई होने वाली। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स मिले तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से निफ्टी 50 को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए हम यहाँ पर कैश ही रहने देंगे जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मिल सके। तो चलिए, कोडिंग करने के लिए इस पर क्लिक करना है प्लस पर, उसके बाद मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर कोडिंग की लाइन लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैक्स पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर चेंज पर क्लिक करेंगे। ओके, उसके लेटेस्ट की जगह पर यहाँ पर हमें करना है 10 डेज, एंड उसके बाद यहाँ पर 20 रहना देंगे। उसके बाद यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद नंबर, एंड यहाँ से 10। ओके, सो हमारी फर्स्ट लाइन यहाँ पर राइट हो चुकी है। यहाँ पर देख पाएंगे इसका मतलब क्या है। यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमारी जो लाइन है वो सबसे पहले हमारे जो 10 दिन होंगे आज की लेटेस्ट से लेकर अपने 10 दिन उसे स्किप कर देंगे, एंड उसके बाद के जो 20 दिन होंगे उस 20 दिन में किसी भी स्टॉक ने अगर 10% से ज़्यादा का मूवमेंट दिखाए तो वो स्टॉक हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ओके, उसके बाद दूसरी लाइन यहाँ पर राइट करेंगे, यहाँ पर भी मैक्स फंक्शन का यूज़ करने वाले। इसे सिलेक्ट करेंगे, नंबर की जगह पर हम करेंगे हाई सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पर 20 की जगह पर हम करने वाले 3। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू दोबारा से मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर अब हम टाइप करने वाले 3 डे एगो। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हाई को टाइप करेंगे, फिर यहाँ लेटेस्ट की जगह पर 3 डे एगो, एंड यहाँ से 3 को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद इस लाइन को आपको कॉपी कर लेना है, एंड यहाँ पर जो आपको लेटेस्ट दिखाई दे रहा है इसकी जगह पर हम क्या करेंगे 3 डे एगो कर लेंगे, एंड यहाँ पर 6 डे एगो। तो एन पर जाएंगे एंड यहाँ पर 6 डे एगो। ओके, यहाँ पर इसका मतलब है कि सबसे पहले तो हमें वो स्टॉक मिलेगा जहाँ पर 10% से ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिला है, एंड उसके बाद वो जो स्टॉक होगा वो पिछले 10 दिन के अंदर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा होगा, मतलब इसका जो हाई है वो यहाँ पर नीचे आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने कहा है कि सबसे पहले जो 3 दिन का जो हाई है वो लेस देन होना चाहिए उसके अगले 3 दिन के हाई से, एंड उसका अगला जो 3 दिन का हाई होगा वो लेस देन होना चाहिए उसके अगले 3 दिन के हाई से, मतलब कि स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा होना चाहिए। उसके बाद हमारी जो एक लास्ट कंडीशन उसे भी यहाँ पर डाल लेंगे, जो कि है कि यहाँ पर जो हमारा स्टॉक का प्राइस है वो यहाँ पर 100 से ज़्यादा का होना चाहिए। इसके लिए प्लस पर क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पर क्लोज टाइप करेंगे, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ से 100। इसका मतलब ये कि यहाँ पर हमें सिर्फ वही स्टॉक मिलेंगे जिसका प्राइस अगर 100 से ऊपर होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर रन स्कैन क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको नीचे यहाँ बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे हमें यहाँ पर 26 स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर हमें बोल फ्लैग पैटर्न फॉर्म दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप सारे स्टॉक को देख सकते हैं, उसके बाद आपको जो सबसे बढ़िया लगे उन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मॉडिफाई कर लेंगे वॉल्यूम वाइज, एंड उसके बाद इसे ओपन कर लेंगे। तो चलिए ओपन करते हैं इन्हें। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कुछ देखने को मिल जाता है TVS इलेक्ट्रॉनिक्स में। यहाँ पर देख पाएंगे हमें यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिला है, मतलब कि इसे हम यहाँ पर पॉल कर सकते हैं, एंड यहाँ पर इसे हम फ्लैग मान सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तब आपको यहाँ पर एक चैनल में स्टॉक ट्रेड को दिखा दिया जाएगा, एंड जब ये स्टॉक ऊपर को ब्रेक करेगा तब आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्टॉक यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर भी हमें एक पॉल देखने को मिला है, उसके अलावा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद तीसरा स्टॉक रोजल इंडिया, इसे भी यहाँ पर देख पाएंगे बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला है, उसके बाद यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक
इसे भी देख पाएंगे। यहाँ पर हम बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिले, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, अगर यहाँ पर इसे ब्रेक करता है एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद ये तेजस नेटवर्क, अगर स्टॉक को देखें तो यहाँ पर देख पाएंगे एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है एंड यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर ये ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा ये जो स्टॉक है रिलायंस, इसे देख तो आप यहाँ देख पाएंगे बहुत ही बढ़िया मूवमेंट, उसके बाद यहाँ देख पाएंगे कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक ने थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ कंसोलिडेट कर लिया है। ओके एंड उसके बाद ये जो स्टॉक है टाटा टेलीविज़न, यहाँ पर भी देख पाएंगे एक मूवमेंट हो, उसके बाद यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। सो ऐसे गाइस आप यहाँ पर मैन्युअली उसके बाद चेक कर सकते हैं, आपको जो भी स्टॉक अच्छा लगे उसमें आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई अच्छा स्कैनर क्रिएट करें जिसकी आपको ज़रूरत है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस स्कैनर से रिलेटेड बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।